नमस्कार आप सभी को, मैं हूं ज्योति सिन्हा और हमारे चैनल एम्ब्रिड बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं व्हिप्ड क्रीम बना रही हूं जो केक के ऊपर रोलिंग में और उसके बाद आप कप केक पे भी लगा सकते हैं। आइए देखिए। व्हिप क्रीम बनाने के लिए आपको 100 ग्राम मक्खन चाहिए, बटर चाहिए और 2 से 3 स्पून पिसी हुई चीनी चाहिए। अब सबसे पहले आप एक बाउल लीजिए और बाउल में बटर को डालिए। बटर रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, जो बिल्कुल ना पूरे अच्छी तरह से, ये देखिए ऐसे कट जाने चाहिए, बिल्कुल मेल्ट भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बटर लीजिए और इसे अच्छी तरह से इससे मिक्स करेंगे और इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे क्रीम तैयार होने में, क्योंकि इस आराम आराम से और धीरे धीरे तैयार होते हैं, मशीन से हम नहीं तैयार कर रहे हैं। और इसको इसी तो इस तरह से मिक्स करेंगे, जो अपने आप जो अभी येलो कलर का दिख रहा बटर वो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। आप इस तरह से मिक्स करते रहिए। देखिए चेंज हो रही है बटर का कलर। और बटर का क्वांटिटी जितने कम थे, जब ये धीरे धीरे मेल्ट होगा तो ये डबल होने चालू हो जाएंगे। ये देखिए, ये डार्क से अब देखिए लाइट कलर की हो गई है येलो। अब मैं इसमें डालूंगी पीसी हुई चीनी। चीनी मीठा रखिए अपने स्वाद में। मैं डालूंगी 4 चम्मच चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। थोड़ा हाथ में दर्द तो होंगे, मगर काफ़ी फ्लफी सी और स्मूथ सी तैयार होगा आपका ये क्रीम। स्मूथ सी तैयार होगी ये क्रीम। ये देखिए इस तरह से मिक्स करते करते आपका क्रीम तैयार हो गए हैं और 12 से 15 मिनट में आप मिक्स करते रहिएगा तो ये तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए तैयार हो गए। अब आपको वाइट क्रीम चाहिए तो वाइट रखिए। कुछ लोग वैनिला डाल के पिंक कलर के कर देते हैं, कुछ लोग पाइनएप्पल डाल के येलो कलर का कर देते हैं। मैं इसमें खाने वाले मीठे कलर डालूँगी और जिससे मैं कलर इसका चेंज करूँगी। ये देखिए आप खाने वाली कलर है, इसको एक पिंच आप इसमें मिक्स करिए और हर कलर के आते हैं और इसमें कलर अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसे मैं येलो कलर की तैयार करूँगी। ये बहुत लाइट से येलो कलर हो गए हैं, अब मैं इसे थोड़ा डार्क करूँगी तैयार, तो थोड़े से और इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना क्रीम देखने में। अब इसे आप केक पे लगाइए, कप केक पे लगाइए या कोई भी कुकीज बनाते हैं उसके ऊपर लगाइए और खिलाइए बच्चों को, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हमारे बच्चे तो वैसे ही बस बोलते हैं क्रीम दे दो, खा लेते हैं। ये देखिए दो तरह के मैं क्रीम तैयार की हूँ। कप केक पे लगाइए, कुकीज़ पे लगाइए, कुछ भी। और ये देखिए इस क्रीम को आप 2 महीने तक
रख सकते हैं किसी भी बंद वाले डब्बे में और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मार्केट से क्या होता है, मार्केट से लेके आते हैं, एक बार यूज किए फिर खुला रहने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उसे हम वेस्ट ही चले जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।